दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। ललितपुर में मिशन शक्ति के तहत एक दिन के लिए कोतवाल बनी छात्रा ने कोतवाली में आने वाली जनता की, खासकर महिलाओं की शिकायतों को सुना और निस्तारण के आदेश निर्देश दिए। ललितपुर शहर के जीजीआईसी स्कूल की 11वीं की छात्रा मधु वासुदेव को एक दिन के लिए कोतवाल बनाया गया। कोतवाल बनने के बाद तुवन चौराहे पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बिना मास्क लगाए एक पत्रकार का चालान भी काटा गया। साथ ही सभी से नए कोतवाल ने मास्क लगाने की अपील की है। इस मौके पर समस्त पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। मेरी ये प्रार्थना है कि महिला और लड़कियों के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें और सख्त कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी व्यवस्थित को भी किया जाए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने पुलिस कर्मचारियों से ज्यादा उनकी सहायता करें और जो भी कानून है और उनके लिए कुछ कानून बनाए जा सकते हैं तो वो भी बनाए। आप जहाँ से देखते हैं, आप समझते हैं लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, दुष्कर्म के प्रयास किए जाते हैं या उत्पीड़न होता है, इस विषय में आप क्या सोचती हैं? इस विषय में ये सोचती हूँ मैं कि ये बिल्कुल से बिल्कुल जितना जल्दी हो सके, जितना भी कम हो सके, ये जो भी चल रहा है, जो परेशान करते हैं, छिड़खानियाँ करते हैं, जितना जल्दी बंद हो सकेगा उतना ही अच्छी हमारी लड़कियाँ, हमारे देश की लड़कियाँ आगे बढ़ पाएंगी और हमारा भविष्य और बन जाएगा। आप क्या प्रयास करेंगी आज? मैं आज यही प्रयास करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की सहायता की जाए। ललितपुर से अशोक सेन की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।